पहाड़ों पर बर्फबारी मैदानी इलाकों पर भारी पड़ रही है। शीतलहर और कोहरे की मार लोगों के जनजीवन को बुरी तरह से प्रभावित कर रही। कोहरे के ने सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार धीमी कर दी है। कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। आज प्रदेश के 20 शहरों का तापमान 10 डिग्री से कम दर्ज होने पर मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी कर दिया है। 8 जगहों पर पारा 4 डिग्री सेल्सियस से नीचे रहा, तो वहीं बीती रात प्रदेश में सीजन की सबसे सर्द रात रही। वहीं सबसे ठंडी शहर की हम बात करें माउंट आबू में कड़ाके की ठंड देखी जा रही, जिससे लोगों को भारी तकलीफ का सामना करना पड़ रहा है। रिपोर्ट देखिए। पश्चिम भारत एवं राजस्थान का इकलौता हिल स्टेशन माउंट आबू का आज सबसे ठंडा दिन रहा। इस साल की अगर बात करें तो आज मौसम विभाग के अनुसार 0 से 2.5 डिग्री नीचे यानी 2.5 डिग्री नीचे रहा। और नक्की लेक के अलावा कई शिकारों पे और गाड़ियों पे जो है बर्फ सी परत जमी देखी, लेकिन उसके बावजूद भी माउंट आबू एक पर्यटन स्थल ऐसा है जहां पे पर्यटक जो है इस सीजन में भी घूमने चले आते हैं। आप कहां से आए, आपका नाम बताइए। गुजरात आनंद से आए हैं, मनोज पटेल हमारा नाम है। आप बताइए कि जिस प्रकार से आज माउंट आबू का -2.5 डिग्री नीचे रहा, 0 से 2.5 डिग्री नीचे रहा, उसके बावजूद भी आप कैसा महसूस कर रहे हैं? अच्छा महसूस कर रहे हैं, ठंड है, मजा आ रहा है, और वहाँ सब बर्फ गाड़ी पे भी जमा हुआ था, फिर भी अच्छा लग रहा है, हम एंजॉय कर रहे हैं। बताइए कि आपको कैसा लग रहा है? बहुत बढ़िया लग रहा है। ठंड का मौसम है, ठंड का सुहाना मौसम है, उसके बावजूद नक्की लेक पे जो है आप बर्फ का आनंद लेने के बाद में आप धूप का आनंद ले रहे हैं। बहुत बढ़िया लग रहा है, ठंड कम लग रही है, चाहे धूप खिलखिलाने लगी है, लेकिन आज जो माउंट आबू का तापमान जो है वो सबसे नीचे था यानी 2.5 डिग्री नीचे। अगर अरावली की उच्चतम चोटी गुरु शिखर की अगर बात करें तो 0 से 5 डिग्री नीचे था, और कुमारवाड़ा की बात करें तो 0 से 4.5 डिग्री नीचे था, लेकिन पर्यटकों की जो उत्साह में है वो कहीं कमी नहीं है, क्योंकि इस सीजन में भी पर्यटक दौड़ के चले आते हैं माउंट आबू। कैमरा पर्सन करण के साथ अनिल एरन, इंडिया न्यूज़, माउंट आबू से।